ਕਿੰਨਾ ਬੋਤਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਖਾਰ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਪਿਆ ਪਰ ਖਾਰ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪਿਆ दूर ना मारी पुत पर चंगा ना लेते ना मारी बड़ी पड़ी बहुत इतने हूँ जी असं गुणते सके आटा मतलब शाम का टाइम सगा तो इधर हरफ खेडता फिर हरफ ना तीन चार बॉला मिल गई सी खेडन बस खुश होया फिर फूकनी ने बीबी बारी बारी कह दें पुत अग बचाई होंगी फूकनी इतने रख दिया कर पर कहना मैं तो फूकनी ही खेडना तो इधर मेरा फोन आई जाता सी मेरा तो मैं हरफ न क्या चक के लिया हरफ फोन तो हरफ के पापा के फोन सगा मैनू लगता तो हरफ नू जान के चढ़ाउन लग गए थे भी मैं तो आ लिया खाण नू आ लिया आ ते भी मतलब एवें जे करन लग गए मजाक जिहा हरफ नू भी तू की खादा फिर हरफ करन लग गया मैं आ खादा चौड़ जी करी गए तो भी इधर मासी नाल गल करी जांदी सीगी क्योंकि मासी घर मिस्त्री लगने सीगे भी उन्होंने मिस्त्री तो काम करवाना सीगा घर का तो फिर वह गल्ला करी जांदे सीगे भी अज कल च बस काम शुरू हो जूगा तो इधर असी गुन्नी जाते आटा बीबी कहती सी भी मैं तो मक्की की रोटी खाऊंगी चाहे गर्मी होवे चाहे सर्दी होवे तो बीबी ना मिस्सी जी रोटी बना के खाती है भी आटा मिक्स करके मक्की का बिच थोड़ा जिहा कणक का मिक्स कर लेंदी है क्योंकि आप सारे बनाने है ना मक्की की रोटी खास कर सियालों तो भी वह ना भी कलियां मक्की दी रोटियां नहीं बन दियां है ना भी मतलब टुटन लग गई तो बस मैं फिर कणक का आटा ज़्यादा गुणती सी क्योंकि मैं तो हरफ के मामा असी कणक दे खावे तो इधर हरफ गल मैं लगता करी जाता सीगा तो फिर मैं गल कर लग गई सी हरफ ने फोन स्पीकर दे लाता से फिर मैं गल कर लग गया आप असं दसन लग गए बस भी असं मतलब रोटी बनाने की तैयारी करते हैं एवं तो बाकी ना वधिया पता ही नहीं लग्या मतलब दिन का भी सारा दिन लंघ गया क्योंकि पहले असं मासी के पिंड जाके आए थे उस दिन शाम की वीडियो ही है क्योंकि फिर असी ना थके हारे आए थे तो बस रोटी तो हम लाउनी सी घर आके तो बीबी कहती सी तार तो मैं आप ही कढ लूँगी ते बाकी शाम नू ना काम धंधे इकट्ठे हो जाते जिवें हुण पशुआं नू नीरा चारा पाउणा धार कढ़नी ते आटा गुन्नना दाल बनाउणी बस एवें करके ते हुण तां मौसम जिहा वी मतलब चेंज जिहा हो गया है ना अगे तां आपां गरम पानी नाल आटा गुंदे हुण तां ठंडे ने गुन्निया जांदा आटा ते पर बीबी दी आदत है बीबी निघा पानी कह दिंदी हुंदी वी निघा पानी पा लो ते निघे पानी नाल ही आटा गुंद लो वी वधिया गुन्निया जांदा हैगा ਕੀ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ
तो इधर जी बस असी रोटी खाण लग गए सी, यानी कि डिनर का टाइम हो गया सीगा। तो बाकी ना बीबी के सदेह ही रोटी खाते है, हजे असी तो घर बहुत लेट हो जाने हूँ, पर बीबी के पेंड असी सदेह खाते रोटी। तो पहला कमर पेंदे होंगे सी, हूँ मौसम चेंज हो गया, हूँ बरांडे मंजे लाने हैं, पर बरांडे मच्छर ना रोज़ बहुत ज्यादा होंगे गा। तो मच्छरदानी हैगी है बीबी को एक मंजे वाली, तो दो मंजे वाली मच्छरदानी असी क्ढनी से अंदरों, तो थोड़ी जी ना भी फटी पई सी, नवी लियानी पेगी, करके इंजे हो जाता। तो नहीं मच्छरदानी लाया करा फिर दो मंजे वाली, जिधर हरफ न पीढ़ी पाली जाने से हरफ मतलब पीढ़ी थे ही नहीं, फिर मैं हरफ में कहता, मैं हरफ मेरे नाल ही बह जाए इधर तू, फिर हरफ थले बैठ गया सीगा। तो बस असी रोटी खा लाँगे सारे जने, तो आए ना पुराना समा याद आ जाता, मतलब ए जो हम इतने पढ़ते होंगे पहले छोटे होंगे सी, तो उदों आए रोटी कट्ठे बैठ के खाते, चौंतरे से बह जाते, उत्तर बीबी कह बरांडे नहीं होंगे सके क्योंकि कल कमरे होंगे सी, तो खुला इतने बेड़ा होंगे सीगा, कंधोलियां होंगे सी मूहरे, जिमें आप पुराने जमाने नहीं भी पुराने टाइम से पावे आते होंगे चिट्टे जिन्हों पावे वाला डिजाइन कह देंगे वो ला के कंधोलियां बनाईया होंगे सी। तो बस इधर चौंतरा भी बीबी ने नवा बनाया, तो पहले चौंतरा भी बीबी का बिल्कुल ही छोटा जहा हों, तो बरांडे हूँ नवे पाए, इन्हें थोड़ी छत ज़्यादा उच्ची हो गई है बरांडिया की, तो पर यह नवे हूँ असं इतने बैठ के, तो नहीं चौंतरे की खाते से अभी ज़्यादा बैठ के रोटी, तो बड़ा वधिया लगता है एवं है ना, गल्लां बातें भी देखो किन्नियां होंदियां, नहीं तो सारे फोन ते लगे रहिंदे आ, जिहदा आपां इकट्ठे बैठ के रोटी खाने हैं, तो पुराना समा आपां नूं पुरानियां गल्लां याद आ जांदियां, कोई सौ बंदा है ना सुख दुख दियां जां कोई इधर उधर दियां आपदियां जिंदगी दियां बंदा गल्लां करदा है ना, तो नहीं तो आपां रोटी बस बैड ते पा के थाल च रख ली तो बस खा ली, तो पता ही नहीं लगता भी कदों रोटी खा ली, तो कदों भी ना ही आए पता हों भी कि फैमिली मैंबर ने कदों किन्ने टाइम पर रोटी खानी है ना, सारे की लाइफ बिजी है अजकल, पर आए कट्ठे बैठ के जो खाना खाने तो वधिया लगता है। तो बस इधर रात हो गई सी जी, असी रोटी टुक खा लिया सीगा, तो बिस्तरे असी बिछा ले सके, तो हरफ जिद करी जाता सी, मम्मा तू खेड खेड मेरे नाम, क्या पता हूँ रात में नहीं आप खेडते सुबह खेडूँ मैं तेरे ना। तो मौसम बहुत वधिया ठंडा ठंडा बहर होया पाया, जिमें हम अंदर अपने भी नवे फैशन के घर पा लें, जिमें हम कोठियां पा लें, उत्थे तो ज़्यादा गर्मी लगती है, पर आएँ खुले माहौल वधिया भी जीजा लगता। सो यही सीगा जी अज का अपना ब्लॉग रूटीन सीगा, साडा डिनर रूटीन शाम का। तो जेकर तुहानू वधिया लग्या तो वीडियो लाइक जरूर करो, तो अगे शेयर जरूर करो, तो साडे चैनल नू सबसक्राइब कर लियो जी। थैंक यू सो मच जी।